फ्री में क्रिसमस ट्री, ये देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कनपुरिया इन कनाडा। और आज यार बड़ा लेट उठा हूँ मैं, और उठते ही सबसे पहला काम मैंने जो किया है वो मैंने ये किया है, मैं एडिट करने बैठ गया वीडियो, बिकॉज मुझे ये वीडियो व्लॉग अपलोड करना है आज आपके लिए। और फिर जैसे ही व्लॉग एडिट करने बैठा, थोड़ा सा ही शुरू किया था, फिर आवाज़ आ गई खाना खा लो खाना खा लो। बीवी जी ने बोला खाना खा लो, तो खाना खाने के लिए बैठ गया। खाना मतलब बेसिकली ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, और आज बना है एग भुर्जी बनी है भाई आज, तो चलिए ये खाते हैं और फिर आपसे ही बात करते हैं। वाह, क्या एग भुर्जी बनी बाबू, मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी बनाई तुमने, बहुत टेस्टी बनाई है तुमने। तो कैसे बनाई? अच्छा, एक बड़ी दीवानचुन बनाई हो, मैं तभी शायद अच्छी बनी, बहुत टेस्टी बनी जिसने बनाई है भाई, बहुत अच्छी बनी है, थैंक यू दीवानशु। तो गाइस, तो एग भुर्जी का सेवन हो चुका है जो कि दीवानचंद बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। एंड आई वांटेड टू शो यू गाइस दिस, हमें आइकिया ने दिया है फ्री में क्रिसमस ट्री, ये देखिए क्रिसमस ट्री दिया था, डेकोरेशन हमने किया ऑब्वियसली। सो बेसिकली इसके पीछे बड़ी अच्छी सी स्टोरी है, व्हाट हैपन कि हमने एक लैम्प ऑर्डर किया था दीवानशु ने, हम वो पिक करने के लिए गए थे, एंड आइकिया वॉज लाइक कि अगर आप कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं एंड पिकअप करते हैं, सो यू गेट अ फ्री क्रिसमस ट्री इफ़ यू वॉन्ट। देन वी वर लाइक चलो ठीक है, क्रिसमस ट्री लेके चलते हैं। एंड देन सो क्रिसमस सेलिब्रेशन इज़ ऑन, हियर गो। अभी थोड़ा बस में और सामान ला के लगाएंगे लाइक थोड़ा डेकोरेशन का, तो इसको समझ नहीं आता कि इसको रोके कैसे। तो नीचे जो है बाल्टी नहीं आती पानी भरने वाली, वो लगाई, उसमें सैंड डाला, एंड देन क्रिसमस ट्री को रोक दिया, एंड देन उसको कवर करने के लिए ये जो रैपिंग पेपर आता है वो ला के लगा दिया। सो इट्स लुकिंग गुड, नॉट बैड, दूर से दिखाता आपको जी। और मैंने अपना ऑफिस यहाँ बना लिया, यहीं मैं बैठ करके एडिटिंग करता हूँ एवरीथिंग। आपको याद है मैं आपको बता रहा था कि पुराने वाले लैपटॉप में रेंडर करने में कितना टाइम लगता है, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसमें देखिए जिसमें मैंने लैपटॉप अनबॉक्सिंग करी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, और अब एक्चुअली बहुत क्विक हो गया है। ये देखिए सिर्फ 3 मिनट दिखा रहा है जो कि 3 घंटे होता था पहले, सो आई एम वेरी ग्लैड। और ये ऑलमोस्ट एडिटिंग डन हो गई है, थोड़ा सा काम इसमें और रह गया है, अभी रेंडर कर रहा हूँ, फिर उसको थोड़ी सी एडिटिंग करके एक्सपोर्ट करूँगा और बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। एक और काम करने वाला हूँ, बेसिकली नेक्स्ट वीकेंड हमारा एग्ज़ाम है उसका आइल्स का, सो उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, पढ़ाई नहीं बोलूँगा बिकॉज आइल्स इज़ नॉट अबाउट नॉलेज बेस, इट अबाउट स्किल बेस एग्ज़ाम होता है, जिसमें इंग्लिश का एग्ज़ाम है, विच इज़ रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग, 4 सेक्शन होते हैं, तो उसकी पढ़ाई करनी है थोड़ी सी, तो वो भी पढ़ना है यार, इतना टाइम हो गया पढ़ाई छोड़ के। और गाइस, कनाडा में 3 चीज़ें बड़ी फेमस होती हैं, 3 W बेसिकली बड़े फेमस होते हैं, एक होता है वर्क, वेदर और वुमेन। वेल, वेदर इसलिए बिकॉज आपको पता है लास्ट वीक काफ़ी स्नो हो रही थी और आज देखिए बारिश हो रही है। सो कनाडा में अगर आप हैं, अगर आ रहे हैं, प्लान है शिफ्ट होने का, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आप फोरकास्ट हमेशा चेक करें वेदर की, उसके हिसाब से अपना काम करें, क्योंकि अगर इस समय प्लस में टेम्परेचर हो रखा है और वो दिखा रहा है कि रात में नेगेटिव होने वाला है, तो मेक श्योर कि अपनी जैकेट लेकर के निकलें। और अगर आपकी शादी हो चुकी है, एज़ आई सेड वुमेन, मेरी शादी हो चुकी है, आप जैसा कि आप जानते हैं, तो अभी भी बीवी का आदेश आया है कि चाय पिला दो, मैं खुद चाय नहीं पीता हूँ लेकिन मैं चाय बनाता हूँ, मतलब क्या बताऊँ आपको, जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में काम नहीं किया है ना, उससे ज़्यादा मैंने चाय बनाई है पिछले 1 साल के अंदर। सो अभी मैं चाय एक्सपर्ट हो गया हूँ, तो सोच रहा हूँ एक छोटी सी रेड़ी लगा लेता हूँ रोड पे कहीं पे, छोटी सी चाय की दुकान जिसमें मैं चाय बना बना करके बेचूँगा, वाइफ स्पेशल चाय, आप भी सीख लें अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो चलिए बीवी के लिए चाय बनाते हैं। तो ये चाय बन के तैयार हो गई है, मैं आया था थोड़े से फ्रूट्स लेने के लिए, सो आई थॉट टू लेट यू गाइस नो एज़ वेल कि क्या रेट है यहाँ पर। सो ये वाले जो सेब हैं
दिस इज़ कॉस्टिंग अराउंड 197 पर LB. तो 2.5 LB में 1 किलो होता है. तो बेसिकली अगर $2 का 1 LB है तो $5 का 1 किलो, तो 250 रुपये किलो. और ये हमारे चड्डी वाले सेब, मनोज ये सेबों ने चड्डी पहनी हुई है, तो ये चड्डी वाले सेब हैं. ये 167 पर LB है. और अच्छा, अरे हाँ, ये अच्छी मिर्चा है, इसका अचार बना सकते हैं. राइट, ये मिर्ची भी बहुत अच्छी बनेगी. ये मिर्ची है $4 की पर LB. तो आप समझिए 8, 2, 10, $10, $500 किलो है ये मिर्चा. ओ माय गॉड, अच्छा है. बट हैं जिसमें हम भर के भरवा मिर्चा बनाएंगे तो वो हो जाएगी ₹1000 किलो. वाह, ये लेकिन ताज़ी सब्ज़ियाँ कुछ ताज़ी नहीं है इनके यहाँ. देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे शावर लगे हुए हैं और ये पानी छोड़ते हैं इसमें, तो ये सब्जियों में पानी लगता है, सकता है फ्रेश है. बट सर स्मार्ट मूव, अपने इंडिया में तो नहीं ठेलों पर ऐसा पानी फेंकते हैं वो सब्ज़ी के ऊपर, यहाँ पर ये करते हैं. तो चलो भैया, हमारी शॉपिंग वैसे हो गई है, थोड़े से फ्रूट लेने थे बस. तो अब बैक टू स्क्वायर, बैक टू होम. ओके गाइस, अब हम आए फ्रेश ही. एक्चुअली वहाँ से निकले थे चड्डी वाले एप्पल लेकर के, एंड देन उसके बाद मन किया थोड़ा वो फ्रोजन यॉगर्ट खाने का. सो दिस इज़ द प्लेस, फ्रेश ही. एंड हमने जो ऑर्डर किया है अब फ्रेशा, दिस इज फ्रोजन योगर्ट, इसमें मैंगो एंड आलमंड्स है. दिस इज बेसिकली कुछ नहीं, काइंड ऑफ आइसक्रीम जैसा होता है, बट दिस इज़ योगर्ट, तो हेल्दी होता है थोड़ा. सो और ये फ्रेशी जो प्लेस है यहाँ पर, मोस्टली दे हैव हेल्दी स्टाफ, सो हम बहुत प्रेफर करते हैं यहाँ पर आना, बिकॉज दे हैव गुड स्टाफ एंड देन अच्छा होता है. इंस्टेड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम, क्योंकि इसमें फैट ज़्यादा होता है, इसमें फैट थोड़ा कम होता है बिकॉज ये फ्रोजन योगर्ट है. और उसमें आप कुछ भी डलवा सकते हो, ऊपर स्ट्रॉबेरीज, मैंगो या जो भी आप चाहें. तो मैं जनरली मैंगो मैं पसंद करता हूँ, आशा पसंद करती है, एंड ऑलमोस्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं ऊपर से वो डलवाता हूँ. ओके गाइस, अभी प्रिपरेशन चल रही है आईएलटीएस की. मेनली जैसा मैंने बताया आपको, नेक्स्ट वीकेंड मेरा एग्जाम है. लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, चार सेक्शन होते हैं इसके. स्पीकिंग पे उतना फोकस अभी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज स्पीकिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी नेचुरल, राइट? जब आप किसी से बात करते हो तो नेचुरली आप आंसर देते हो उसके. बट हाँ, आपको लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, सो आपको एकेडमिक आइल्स देना पड़ेगा. अगर आप प्लान कर रहे हैं PR लगाने के लिए, सो आपको जनरल देना पड़ेगा. मैं जनरल दे रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मुझे मेरा PR फाइल करना है. ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि मैं कनाडा पे और वीडियोस बनाऊँ, कि टिप्स दूँ आपको कि कैसे वीज़ा फाइल करना है, स्टूडेंट वीज़ा और PR के थोड़े टिप्स अगर आप चाहते हैं मैं शेयर करूँ, नीचे कमेंट करके बताएं मुझे. आई श्योरली ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस पर वीडियोस बनाऊँ. और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो यार. और अगर आप चाहते हो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए, तो नीचे जो बेल आइकन है उसे दबा दें. अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आए तो आप बेल आइकन को ना दबाएं. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड बाय.